नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना संकट के बीच इस बार का योग दिवस पहले जैसा नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े संकट के बीच नया रास्ता बनाना, यही तो मनुष्य का स्वभाव है। रुकने थकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसलिए इस बार का योग दिवस भी उतने ही उत्साह से मनना चाहिए, उतनी ही ऊर्जा से मनना चाहिए। हां, आप जरूरी दिशा निर्देश का पालन करते हुए योग दिवस मनाएं। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, ये बहुत जानबूझकर के विषय तय किया गया है। घर पर योग, परिवार के साथ मिलकर के योग, आज की परिस्थिति में आपको निरोग रहना बहुत आवश्यक है, और उसमें योग प्राणायाम जरूर मदद करेगा। अपनी इम्यूनिटी के लिए योग करिए, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए योग करिए, अपने आत्मविश्वास के लिए योग करिए, अपने आत्मबल के लिए योग करिए, अपना उत्साह बढ़ाने के लिए योग करिए, और अपने मन की शांति के लिए भी योग करिए। साथियों, बीते 5 वर्षों में पूरा विश्व योग से जुड़ा है, योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। अब इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हमें अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह समर्पित करना है। हम खुद योग करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, ताकि हमारा परिवार और हमारा समाज स्वस्थ रहे। हम सभी ये जानते हैं कि अभी तक दुनिया में कहीं पर भी COVID-19 कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बन सकी है, इसलिए इस समय स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ही हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। यही हमारा बॉडीगार्ड है। इस सुरक्षा कवच को बनाने में योग हमारा बहुत विश्वसनीय साथी है। मैंने हाल के दिनों में लोगों को योग से जुड़े अपने वीडियो पोस्ट करते देखा है। कई लोग 21 जून को कैसे घर में योग दिवस मनाएंगे इसे लेकर भी बहुत कुछ लिख रहे हैं, वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। इस वैश्विक महामारी के बीच ये बहुत सकारात्मक संकेत है। मुश्किलों में मुस्कुराना, संकट के समय में संयम, ये भी तो हम योग से ही सीखते हैं। आप योग करें, खूब योग करें, स्वस्थ रहे, शांत रहे, प्रसन्न रहे। एक बार फिर आपको योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। आज योग पूरे विश्व में फैल रहा है, और इसके विस्तार के पीछे
अनेक योग गुरुओं का योगदान रहा है। योग के द्वारा पूरे विश्व में लोग आरोग्य वर्धन और रोग निदान का लाभ उठा रहे हैं। विश्व योग दिवस के सफल आयोजन हेतु मेरी शुभकामनाएं। सांसों में शांति का हो समागम, तनाव त्यागने का है प्रयत्न, लचक से संपूर्ण होता जीवन, जीर्ण पीड़ाओं से मुक्ति का जतन, बाहरी वेदनाओं को करके खत्म, अपने मन के स्वर को अब सुन। ये है स्वस्थ तन मन और आध्यात्म का संकल्प। योग को जीवन का हिस्सा बनाएं, जीवन शैली में जीवन को अपनाएं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए विश्व समुदाय से अपने इन्हीं शब्दों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का आह्वान किया था। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। मोदी सरकार के अथक प्रयासों के ही कारण सन 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव को 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में 177 सह समर्थक देशों की रिकॉर्ड सर्वसम्मति प्राप्त हुई। अपने प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया कि योग स्वास्थ्य और कल्याण हेतु एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में सामंजस्य स्थापित करता है। इसलिए विश्व की आबादी में स्वास्थ्य के लिए योग अभ्यास के लाभों की जानकारी के व्यापक प्रसार की आवश्यकता महसूस की गई। इसके पश्चात भारत में एक समग्र स्वास्थ्य क्रांति के नए युग का शुभारंभ हुआ, जो उपचार से ज्यादा रोकथाम के सिद्धांतों पर आधारित है। आयुष मंत्रालय ने 21 जून 2015 को राजपथ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जहां दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। इनमें से एक योग का सबसे बड़ा सत्र था, जिसमें 35,985 प्रतिभागी शामिल थे, और दूसरा रिकॉर्ड 84 देशों के प्रतिभागियों के साथ सर्वाधिक राष्ट्रों का एक ही योग सत्र में सम्मिलित होने का था। तब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को विश्व भर में ख्याति प्राप्त हुई और नए उत्साही लोग स्वास्थ्य के इस प्राचीन वरदान को साल दर साल अधिक संख्या में अपना रहे हैं। योग वास्तव में सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक अध्ययन का विषय है, जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। योग कला और विज्ञान के संगम का एक ऐसा अभ्यास है, जो स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। इसके संस्कृत मूल शब्द युज के अनुसार योग शब्द का अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना, और ये कहा जाता है कि योग अभ्यास हमारी व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है। योग को व्यापक रूप से सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता की कालखंड 2700 ईसा पूर्व की अमिट सांस्कृतिक उत्पत्ति के रूप में माना जाता है। हालांकि पूर्व वैदिक काल में भी योग का अभ्यास किया जाता रहा है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने
अपने योग सूत्र के माध्यम से तत्कालीन प्राचीन अभ्यासों को व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। इस पद्धति में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें पारंपरिक योग का जनक भी माना जाता है। इसके बाद कई विद्वानों ने योग के संरक्षण और विकास में अपना योगदान दिया और अभ्यासों को लिखित रूप में संरक्षित कर समस्त विश्व में उनका प्रचार प्रसार किया। आज विश्व भर में लाखों लोग योग के अभ्यास से लाभान्वित हो रहे हैं। हाल के वर्षों में हुए चिकित्सा संबंधी अनुसंधानों में नियमित योग अभ्यास के कई शारीरिक और मानसिक लाभ बताए गए हैं। योग विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है, जैसे शरीर, ऊर्जा, मस्तिष्क और मनोभाव। इससे योग के चार विस्तृत वर्गों की पहचान की गई है। ज्ञान योग, जिसमें मन का उपयोग किया जाता है। भक्ति योग, जिसमें भावनाओं का उपयोग किया जाता है। कर्म योग, जिसमें शरीर का उपयोग किया जाता है। और क्रिया योग, जिसमें ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। योग की प्रत्येक प्रणाली जिसका हम अभ्यास करते हैं इन वर्गों के अंतर्गत आती है। योग के विभिन्न विद्वानों द्वारा इन्हें आगे भी वर्गीकृत और विकसित किया गया है, जो इस प्रकार है: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजल योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, राज योग, जैन योग, बौद्ध योग आदि। व्यापक रूप से प्रचलित योग साधनाओं में से कुछ इस प्रकार है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बंध, मुद्रा, षटकर्म, युक्ताहार, मंत्र जप, युक्त कर्म। योग चिकित्सक को यौगिक प्रथाओं के मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अभ्यास से पहले शांत शरीर और मन के साथ शांत वातावरण में योगा अभ्यास किया जाना चाहिए। इसे खाली पेट या हल्के पेट किया जाना चाहिए। कमजोरी महसूस होने पर गुनगुने पानी में थोड़ी मात्रा में शहद का सेवन करें। शरीर की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए हल्के और आरामदायक सूती वस्त्र सुविधाजनक रहते हैं। जीर्ण रोगों या दर्द या हृदय संबंधी समस्याओं के मामले में योग अभ्यास करने से पूर्व चिकित्सक या योग चिकित्सक से परामर्श किया जाना चाहिए। अभ्यास के दौरान अभ्यास सत्र एक प्रार्थना या वंदन के साथ शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये मन को शांत करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। शरीर और श्वास की जागरूकता के साथ योग अभ्यास को धीरे धीरे से मंद गति से किया जाना चाहिए। शरीर को ना तो कसें और ना ही झटका दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास करें। गहरे मौन या शांति पाठ के साथ सत्र को समाप्त करें। भोजन व स्नान अभ्यास के 20 से 30 मिनट बाद ही किया जाना चाहिए। पूरी तरह तैयार होने पर जागरूक भाव से योग की दुनिया में कदम रखें और सदियों पुराने इस ज्ञान का लाभ उठाएं। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। संगच्छद्वं संवदद्वं
सं वो मनांसि जानता सं वो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानानाउपासते 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 आइए अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ करते हैं जो शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन की क्रियाएं। गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सावधानियां। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की स्थिति में इस आसन को न करें। सम स्थिति में खड़े हों। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को दाईं एवं बाईं ओर झुकाना। सावधानियां। गर्दन को बहुत अधिक न खींचें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं तरफ झुकाएं। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन दाईं और बाईं ओर घुमाना। सावधानियां। गर्दन को झटका न दें। सिर को सामान्य स्थिति में रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को घुमाना। सावधानियां। गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। विश्राम करें।
स्कंध संचालन, स्कंध और भुजाओं का संचालन। सावधानियां, कंधे की अकड़न से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। हाथों की उंगलियां मिली हुई और जमीन की दिशा में हों। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। ये एक चक्र है, एक और बार दोहराएं। स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और स्कंधों को चक्राकार घुमाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। इस क्रिया को विपरीत दिशा में दो बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। हाथों को सम स्थिति में वापस लाएं और विश्राम करें। कटी चालन, कटी शक्ति विकासक। सावधानियां, कशेरुक विकार होने की स्थिति में इस क्रिया को उचित मार्गदर्शन में करें। सम स्थिति से शुरुआत करते हुए दोनों भुजाओं को स्कंध तक उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें और भुजाओं को समानांतर रखें। पैरों में एक फुट की दूरी बनाएं। श्वास छोड़ते हुए कटी भाग को दाईं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस सामान्य स्थिति में लाएं, पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। घुटना संचालन। सावधानियां, आर्थराइटिस और मोटापे से पीड़ित होने पर इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। पैरों में एक फुट की दूरी बनाएं। श्वास अंदर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आएं। अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास लेते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस लाएं तथा पैरों को जोड़ें, विश्राम करें। आइए अब योग आसन की तरफ बढ़ें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन, ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। सावधानियां, जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स तथा चक्कर आने की समस्याएं हैं, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। सम स्थिति से शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास लें, भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कंधों की सीध में ले जाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ें
तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं, एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं, उंगलियों को खोलें। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं और सम स्थिति में लौट आएं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। सावधानियां। आर्थराइटिस, चक्कर आना अथवा मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति यह आसन न करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। दाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएं और मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। पाद हस्तासन। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। सावधानियां। हृदय, रीढ़ संबंधित समस्याओं और काला मोतिया की दशा में इस अभ्यास को न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करने लगे। रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव सीधा करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आएं। अर्ध चक्रासन। अर्ध का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहिया। सावधानियां। चक्कर आने तथा हृदय संबंधी समस्याओं में यह आसन न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर पीठ को सहारा दें। कोहनियों को परस्पर समानांतर रखें। सिर को पीछे झुकाएं। गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं तथा सामान्य स्थिति में लौटें। विश्राम करें। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। सावधानियां। स्लिप्ड डिस्क, सायटिका और उदर में सर्जरी के उपरांत यह आसन न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए पैरों के बीच
3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को बाहर की तरफ रखें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे दाईं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में करें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए वापस आएं और दाएं पैर को वापस ले आएं। इस आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएं। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ की सीध में करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएं। अब बाएं पैर को वापस ले आएं। श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे ले आएं तथा पैरों को मिलाएं। प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं और विश्राम करें। अब बैठने वाले आसनों के लिए तैयार हो जाएं। भद्रासन। सावधानी, आर्थराइटिस और सायटिका होने पर यह अभ्यास न करें। विश्राम आसन से शुरुआत करें। कमर को हाथों से सहारा दें, दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठें। शरीर को पूर्ण विश्राम दें, कमर को सीधा करें और पैरों को सामने की तरफ खींचें। हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। अपने पैरों के तलवों को मिलाएं। श्वास छोड़ें तथा हाथों से पंजों को पकड़ें। श्वास लें, एड़ियों को यथासंभव मूलाधार क्षेत्र के पास लाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, हाथों को खोलें तथा पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। विश्राम करें। वज्रासन। सावधानियां। घुटने के दर्द तथा एड़ियों की चोट से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। विश्राम आसन से शुरू करें। पीठ सीधी रखें, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं, हाथों को नितंब के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें, दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखें। पैरों को इस प्रकार रखें जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। नितंबों को पंजों और एड़ियों के बीच रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। कमर सीधी करें, सामने की ओर ध्यान केंद्रित करें अथवा आंखें बंद रखें। प्रारंभिक स्थिति में लौटते समय दाईं ओर झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी प्रकार अपना दायां पैर सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में लौट आएं। अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्र शब्द का अर्थ है ऊंट। सावधानियां। हर्निया, उदर संबंधी व्याधियों, आर्थराइटिस तथा चक्कर आने पर इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं। हथेलियों को जमीन पर रखें और उंगलियों को सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए
पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं, जांघों को सीधा रखें, हाथों को नितंबों पर रखें, उंगलियां नीचे की ओर हों, कोहनियों को समानांतर रखें। श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं तथा गर्दन में खिंचाव महसूस करें। श्वास छोड़ें और कटी भाग से यथासंभव पीछे की ओर झुकें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं और विश्राम करें। उष्ट्रासन। सावधानियां: हर्निया के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें, उंगलियां सामने की ओर हों। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं, जांघों को सीधा रखें, घुटनों और पंजों में कुछ इंच की दूरी रखें। श्वास लें, सिर को पीछे झुकाएं जिससे गर्दन में खिंचाव महसूस हो। दाई हथेली को दाई एड़ी पर और बाई हथेली को बाई एड़ी पर रखें और श्वास छोड़ें। पूरे शरीर का भार भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं और विश्राम करें। शशकासन। शशक का अर्थ है खरगोश। सावधानियां: घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी रखें, पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठ जाएं, हथेलियों को जमीन पर तथा उंगलियां सामने की ओर रखें। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें तथा बाएं नितंब के नीचे रखें। दोनों घुटनों को फैलाएं, पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए धड़ से आगे की ओर झुकें और ठोड़ी को जमीन से स्पर्श करें। भुजाओं को समानांतर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें और ऊपर की ओर आ जाएं, घुटनों को मिलाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं। विश्राम करें। उत्तान मंडुकासन। सावधानियां: ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्ति घुटनों के बल न बैठें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी रखते हुए पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें, उंगलियां सामने की ओर स्थित हों। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें तथा पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें और बाएं नितंब के नीचे रखें। हथेलियों को दोनों घुटनों के बीच में रखें। दोनों घुटनों को फैलाएं।
दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, कोहनियों से मोड़ते हुए दाईं हथेली को बाएं कंधे पर और बाईं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लें तथा हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ें, हाथों को नीचे लाएं और घुटनों को मिलाएं। पैरों को सामने की ओर सीधा करें, प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। विश्राम करें। वक्रासन। वक्र का अर्थ है घुमावदार, सावधानियां। अत्यधिक पीठ दर्द एवं रीढ़ की हड्डी के विकारों से पीड़ित व्यक्ति इस अभ्यास को न करें। विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी और पैरों को आगे की ओर मिलाकर बैठें। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटने के साथ रखें। बाएं हाथ को दाहिने पैर की ओर से लाते हुए बाईं हथेली को दाएं पंजे के साथ रखें। श्वास छोड़ें तथा अपने शरीर और सिर को दाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें तथा वापस आएं। इस आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पंजे को भी दाएं घुटने के साथ रखें। दाएं हाथ को बाएं पैर की ओर से लाते हुए दाईं हथेली को बाएं पैर के साथ रखें। श्वास छोड़ें तथा अपने शरीर और सिर को बाईं ओर घुमाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लें तथा प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। विश्राम करें। आइए अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों की ओर बढ़ें। मकरासन। मकर का अर्थ है मगर या घड़ियाल। सावधानियां। गर्भावस्था और कंधे की अकड़न के समय में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं, पैर जोड़ें तथा पंजों को बाहर की ओर रखें। ठोड़ी को हाथों पर रखें, पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाएं, पंजों को बाहर की ओर रखें, सिर को दाईं ओर घुमाएं तथा हाथों पर रखें। अपनी आंखें बंद रखें, पूरे शरीर को विश्राम दें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने तक इसी अवस्था में रहें। भुजंगासन। भुजंग का अर्थ है सांप। सावधानियां। हर्निया एवं पेट के अल्सर से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। मकर आसन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को मिलाएं, हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को शरीर से लगा कर रखें। श्वास लें और रीढ़ से मोड़ते हुए सिर और छाती को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। कोहनियों को समानांतर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, सिर को नीचे लाएं और ठोड़ी को जमीन पर रखें। दोनों हाथों को मोड़ें, ठोड़ी को हाथों पर रखें, पैरों को फैलाएं, पंजों को बाहर की ओर रखें, सिर को दाईं ओर घुमाएं और हाथों पर रखें। विश्राम करें। शलभासन। शलभ का अर्थ है टिड्डी, जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। सावधानियां। पीठ दर्द, पेप्टिक अल्सर, हर्निया और हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। मकर आसन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए
हथेलियों को जमीन पर रखें, श्वास लें तथा दोनों पैरों को बिना घुटनों को मोड़े जमीन से ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें तथा पैरों को नीचे ले आएं। दोनों भुजाओं को मोड़ें, ठोड़ी को हाथों पर रखें, पैरों को फैलाएं, पंजों को बाहर की ओर रखें, सिर को दाईं ओर घुमाएं और हाथों पर रखें। विश्राम करें। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, सेतु बंधासन। सेतु बंध का अर्थ है पुल का निर्माण। सावधानियां: पेट के अल्सर एवं हर्निया से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें तथा एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को सुविधानुसार कसकर पकड़ें और घुटनों एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास लें, धीरे धीरे नितंबों तथा कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं और सेतु जैसी स्थिति में लाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे नितंबों को नीचे लाएं, पैरों को सीधा करें। विश्राम करें। उत्तान पादासन। यहाँ उत्तान का अर्थ है ऊपर की ओर उठा हुआ और पाद का अर्थ है पैर। सावधानियां: गहन तनाव से पीड़ित मरीज एक बार में एक पैर का उपयोग करते हुए इस आसन का अभ्यास करें। पीठ के बल आराम से लेट जाएं। हाथों को शरीर के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लें, घुटनों को मोड़े बिना दोनों पैरों को तब तक ऊपर उठाएं जब तक आपको पंजों के सिरे न दिखने लगें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें, धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। विश्राम करें। अर्ध हलासन। अर्ध का अर्थ है आधा और हल का अर्थ है खेत जोतने वाला हल। सावधानियां: उदर संबंधी चोट, हर्निया तथा पीठ दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को न करें। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें, हथेलियां जमीन पर स्थित हों। श्वास लें, घुटनों को मोड़े बिना धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं तथा जमीन से 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। नितंबों से कंधे तक शरीर को सीधा रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ें तथा बिना सिर उठाए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आएं। विश्राम करें। पवन मुक्तासन। पवन का अर्थ है वायु और मुक्त का अर्थ है मुक्त करना। सावधानियां: उदर संबंधी चोट, हर्निया, साइटिका या अत्यधिक पीठ दर्द में इस अभ्यास को न करें। पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को दोनों घुटनों से मोड़ें, श्वास छोड़ें, जांघों और घुटनों को छाती के निकट लाएं। श्वास लें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ते हुए दोनों पैरों की पिंडलियों को कसकर पकड़ लें। श्वास छोड़ें, सिर तथा कंधे उठाएं और ठोड़ी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास लेते हुए सिर को जमीन पर लाएं। श्वास छोड़ें और पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। पीठ के बल लेटकर विश्राम करें। शवासन। शव का अर्थ है मृत देह। पीठ के बल आराम से लेट जाएं, पैरों को फैलाएं, भुजाओं को शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर हों और आंखों को बंद रखें। पूरे शरीर के प्रति सजग रहते हुए विश्राम करें। श्वास लंबा, गहरा
और लयबद्ध होने दें। श्वास मंद होते हुए महसूस करें। ताजगी और निश्चिंतता की प्राप्ति होने तक इसी अवस्था में रहें। वापस आएं और किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। कपाल भाती, सावधानियां, हृदय संबंधी व्याधियों, मिर्गी, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर तथा मासिक धर्म के दौरान यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और पूरे शरीर को शिथिल करें। गहरा श्वास लें तथा श्रोणी में श्वास का भरना तथा छाती के फैलाव को महसूस करें। नासिका छिद्रों से श्वास का अंदर जाना और सीने में भरना महसूस करें। उदर की मांसपेशियों पर दबाव देते हुए श्वास छोड़ें। निष्क्रिय रूप से श्वास ग्रहण करें। आइए अब 20 आवृत्तियों के साथ कपाल भाति का पहला चक्र आरंभ करें। लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें। ये कपाल भाति का एक चक्र है। अब 20 आवृत्तियों के साथ इस क्रिया को 2 बार और करें। प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। श्वास गहरा, नियमित तथा नियंत्रित होना चाहिए। मेरुदंड व सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। गहरे श्वास के साथ शरीर और मन को आराम की स्थिति में लाएं। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ को प्राणायाम मुद्रा में रखें। तर्जनी और बीच की उंगली को ऐसे मोड़ें। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका छिद्र को बंद करें। अब बाएं नासिका छिद्र से श्वास लें। अपने शरीर में प्राण रूपी श्वास के आवागमन को महसूस करें। फिर बाएं नासिका छिद्र को अनामिका और कनिष्ठिका से बंद कर लें और दाहिने नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। अब दाहिने नासिका छिद्र से ही श्वास लें। अंगूठे से दाहिने नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास छोड़ें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक चक्र है। 4 चक्र और पूरे करें। शीतली प्राणायाम, सावधानियां, कफ, सर्दी अथवा टॉन्सिलाइटिस के रोगियों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। आंखें बंद कर लें। जिह्वा को किनारों से मोड़कर ट्यूब नुमा आकृति बना लें। जिह्वा से श्वास लेते हुए यथासंभव वायु को फेफड़ों में भरें। जिह्वा को मुख के अंदर ले जाएं और मुख को बंद कर लें। दोनों नासिका छिद्रों से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें और अपना ध्यान अपने श्वास पर बनाए रखें। ये शीतली प्राणायाम का एक चक्र है। इसे 4 बार दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, आंखें बंद करें, दोनों नासिका छिद्रों से गहरा श्वास लें, नियंत्रित तरीके से गहरी और भंवरे की गुंजन जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। एक बार और दोहराएं। अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास षणमुखी मुद्रा के साथ करें। एक बार पुनः दोहराएं।
ध्यान। ध्यान की किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद करें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपने भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें और अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। श्वासों को मुक्त भाव से बहने दें, बस इस प्रवाह को अनुभव करें। यदि संभव हो तो पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। लेते हैं, मैं हर समय मन को संतुलित स्थिति में रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता हूं। इस स्थिति में ही मेरा विकास अपनी पूर्ण संभावनाओं तक पहुंचता है। मैं स्वयं के साथ परिवार, कार्यस्थल, समाज और संसार के प्रति शांति, स्वास्थ्य और सामंजस्य के संवर्धन हेतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। योगाभ्यास, शांति पाठ या सार्वभौमिक प्रार्थना के साथ समाप्त होगा। सबकी शांति और समृद्धि हेतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति।